हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है टेकी शोर में। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग एचडी और आईपी कैमरास के बारे में। दोस्तों, बहुत छोटी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जानना और शेयर करना दोस्तों में, इससे बहुत सारी नॉलेज आपको गेन होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनालॉग कैमरे की। शुरू में हम इंस्टॉल करते थे तो एनालॉग कैमरास इंस्टॉल करते थे, एनालॉग और आईपी कैमरास के बीच में टक्कर हुआ करती थी। एनालॉग की क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं होती थी, मजा नहीं आता था, सस्ता होने के कारण लोग लगाया करते थे। ये 700 टीवी लाइन्स के आगे, मतलब 700 टीवी लाइन्स तक चलते थे। पहले जो एनालॉग कैमरा था टीवी लाइन्स से शुरू आते थे, फिर जैसे ही 1000 टीवी लाइन्स के तक कैमरे पहुंचे तो फिर कैमरा एचडी में आने लगे। 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, मैक्सिमम 8 मेगापिक्सल तक के कैमरे आने लग गए। और एचडी कैमराज में तो आप समझ लीजिए मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, सेम एनालॉग की तरह होते हैं, बस उसके अंदर जब टीवी लाइन 1000 के ऊपर बढ़ गई तो फिर 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल की कैमरा आने लगी। जैसे ये आपका एनालॉग कैमरा, ये बुलेट कैमरा, इसी की तरह का एक ड्रोन कैमरा भी आता है। इस तरह कैमरा आएगा, समझ सकते हो कि वो या तो एनालॉग होगा या तो एचडी होगा। एचडी का मतलब है कि पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपके एचडी कैमराज आते हैं। पहले टीवी लाइन आती थी कि इतने टीवी लाइन पर सेकेंड में रन होती है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ आईपी कैमरा। तो आईपी कैमरा 1 मेगापिक्सल से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम जो 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल जो आज की रेट चल रही है वहां तक का वो मेगापिक्सल से कैमरा अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि तीनों कैमरा रन किस पे होते हैं, चलते किस कौन से वायर के ऊपर। तो एनालॉग और एचडी कैमराज मोस्ट ऑफ आपके RT4, RT3, RT2 कॉजियल केबल, RJ6 और RJ59 केबल पे चल जाते हैं इजीली। और जो आईपी कैमरा होता है ये आपको ट्विस्टेड पेयर वायर पे चलता है, 4 ट्विस्टेड वायर पे चलता है, जैसे या फिर आप बोल सकते हैं CAT6, CAT5 वायर पे आपका ये कैमरा रन करता है आपका आईपी कैमरा। अब बात आती है कि ट्रांसमिशन कितना हो। पहले जब हम एनालॉग कैमरा यूज करते थे तो 100 मीटर या फिर आप लोगों को बफर वगैरह लगा के या बहुत सारी चीजें करके या बलून लगा के हम लोग चुप चलाते थे, 300 मीटर तक जा पाते थे, उसमें भी क्लियरिटी में मजा नहीं आता था। फिर इसके एचडी कैमरा आने लगा था, एचडी कैमरा ट्विस्टेड पेयर पे 1.2 किलोमीटर तक चलने लगा। अगर आपका 1 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 700 मीटर तक चलते हैं, और अगर आपका 2 मेगापिक्सल या अबव का है तो 1.2 से 1.5 किलोमीटर तक कैमरा इजीली ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर चलने लगे बलून लगाकर। और रही बात अब आईपी कैमरे की, तो आईपी कैमरा कैशिस केबल पे इजीली रन हो जाता है और ये अनलिमिटेड किलोमीटर से। जैसे मान लिया कि आपका 1 किलोमीटर आपने नेटवर्क में बिजली स्विच लगाया है, आपने स्विच लगा के आप कहीं से भी किसी भी नेटवर्क में आपने कैमरे को कनेक्ट कर रही है और वो कैमरा सेम आईपी में अपने कैमरे की और डीवी और राउटर की आईपी की रेंज में आप कॉन्फिगर करिए और कहीं से भी आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट एक चीज ये है आईपी कैमरे का कि आपको वायरलेस कैमरा मिल जाता है। वायरलेस कैमरे की जहाँ पे आपको वायरिंग करना पॉसिबल नहीं होता है वहां पे आप बस इजीली अपना पावर का बंदोबस्त कीजिए और कैमरे को स्टार्ट कर दीजिए, आपको पूरा वायर रन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी वाईफाई की रेंज है इजीली वो रन हो जाता है, जो कि एचडी कैमरा और एनालॉग कैमरा में पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनालॉग कैमरे में क्या आता है कि आपको ऑडियो के लिए अलग से केबल डालना पड़ता है, आपको जब पैनल जूम करना पड़ता है, जब आप पैनल जूम करते हैं कैमरे को तो उसके लिए आपको अलग से केबल डालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं RS-232 या RS-485 वगैरह, आपको उसके लिए अलग से केबल डालना। और ये केबल वगैरह वाइज बहुत बल्की हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको वायरिंग करनी पड़ जाती है। और सेम चीज एनालॉग के अंदर भी होती है, लेकिन एनालॉग में एक अभी नई टेक्नोलॉजी आई, इसको बोलते हैं OPC। जैसे कि आईपी के अंदर मैंने आपको बताया POE के ऊपर कैमरा आपका चल जाता है, POE मतलब पावर ओवर इथरनेट, यानी कि आप एक कैशिस केबल लेते हो उसी के केबल के ऊपर आपका सारी चीज चल जाती है। सेम उसी तरह से अब एचडी कैमरे के अंदर POC कैमराज और POC DVR हाइब्रिड DVR आने लगे, जिसे एक केबल के ऊपर आप पावर भी दे पाते हो और उसी केबल के ऊपर कॉजल केबल के ऊपर आप अपना DVR भी रन कर लेते हो, कैमरा भी रन कर लेते हो, जिससे थोड़ा सा आपका वायर की कॉस्टिंग और वायरिंग बच जाती है। लेकिन आपको एडिशनल तो पैन जूम करने के लिए आपको लगाना ही पड़ता है एडिशनल केबल RS-485 वगैरह, लेकिन आईपी में सब कुछ आपको ऑडियो का RS-485 और कुछ सब कुछ आईपी के ऊपर ही चलता है, सब कुछ एक केबल के ऊपर ही रन हो जाता है, इसलिए आप पैन जूम कर पाते हो। रही बात मेगापिक्सल्स के बारे में, क्लियरिटी के बारे में बात की जाए तो एनालॉग कैमरा ऑलमोस्ट सब बंद हो गया क्योंकि क्लियरिटी में मजा नहीं है। एचडी कैमराज चल रहे हैं, लेकिन एचडी कैमरा पहले कैमरास को प्रोसेसिंग करता है एनालॉग से एचडी में, फिर उसके बाद डीवीआर को देता है, फिर वो डीवीआर वापस प्रोसेस करता है और आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंचाता है। लेकिन ये चीज आपको आईपी के अंदर नहीं, आईपी ट्रूली डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल्स को आपके एनवीआर में पहुंचाता है और स्टोर करता है, तो इसके लिए ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आपको आईपी कैमराज में मिलती है।
और अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करो और आईपी कैमरा लगा रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप वो सब जहाँ अपने नेटवर्क एक नेटवर्क का हब बना दिया, उस नेटवर्क के आसपास में आपने कैमरा लगा दिया, फिर आगे आप एक केबल लेके एक नेटवर्क का हब बना दिया और उसके आसपास में आपने कैमरा लगा, एक बड़े प्रोजेक्ट इजिली कर लेते हो। और एकदम बड़ा करने के लिए जो फाइबर ऑप्टिक है उसके बारे में बात आपको बाद में बताऊंगा, अगर आपकी कोई सवाल और क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा। दूसरी बात, अगर मैं छोटे प्रोजेक्ट में आपको एच डी एल एल कैमरे चल जाते हैं आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप 16 कैमरा 18 कैमरे या उससे ऊपर के 100-200 कैमरे की बजट पे काम कर रहे हो तो आपको आईपी कैमरा ही लगाना चाहिए, क्योंकि वायर वाइज आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक जरूर करिएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको जवाब दूंगा। इसी साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।